हरियाणा में जेजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हरियाणा के जींद से जेजेपी के 3 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जींद में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में इन विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हुई। जेजेपी के इन 3 विधायकों में नानोंद से विधायक रामकुमार गौतम, उकलाना से विधायक अनूप धानक, बरवाला से विधायक जोगी राम सिहाग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही अंबाला की मेयर शक्ति रानी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बता दें, शक्ति रानी हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा की धर्मपत्नी है। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा चुनाव सह प्रभारी व त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने भी मुख्य तौर पर मौजूदगी जताई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि रामकुमार गौतम, अनूप धानक, जोगी राम सिहाग और अंबाला की मेयर शक्ति शर्मा ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी में शामिल सभी नेताओं का वह पार्टी में स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी 85 से ज्यादा सीटें जीतकर एक तरफा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली की मांग पर जो वोटिंग और काउंटिंग की डेट बढ़ाई है, उसके लिए वे चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद कांग्रेस का शायद पेट खराब हो गया होगा। नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर तंज कसा कि तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नहीं थक रहे कि बीजेपी चुनाव से डर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव से डरती नहीं है, बल्कि हम तो रात को भी चुनाव कराने को तैयार है। लोग ज्यादा संख्या के अंदर अपना वोट दे सके, और ये चिंता करते हुए इन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया। भाइयों, इन्होंने तो चिंता की लोकतंत्र की, और कांग्रेस का पेट खराब हो गया और वो गीत गाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने कहने लगे, कहा चुनाव से डरे हुए हैं। अरे हुड्डा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अरे डरती नहीं है। हम तो रात के समय में भी चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई कहीं वोट के ऊपर असर ना पड़ जाए। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जा करके अपना वोट पोल करे। उधर जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि मैं इस पार्टी में वैसे ही नहीं आया। इस बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है और 200% नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अनेक शासन देखे हैं। दूसरे शासनकाल में पर्ची का जमाना था, मेरिट का कोई जमाना नहीं था, लेकिन मनोहर लाल जी ने शानदार में शुरुआत की। पहले लोग चपरासी व सिपाही बनने के लिए सिफारिश ढूंढते थे, खट्टर साहब के राज में सिपाही सोचते थे, वो भी आज DSP बड़े बड़े इंस्पेक्टर बने। यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात थी। जो लोग सपने में भी नहीं ये सोच सकते थे, वो खट्टर साहब के राज में मिला, जो पिछले राज्यों में कभी नहीं मिला, यह बहुत बड़ी बात है। दादा गौतम ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि 370 धारा हटाई, जिसके लिए लोगों की रूह कांपती थी। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का कार्य भी किया। मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी शानदार रवायत शुरू की। जो आदमी सोचता था चपरासी लगेगा तो किसको पकड़ूं, सिपाही लगेगा तो किसकी सिफारिश ढूंढूं, आज जो सिपाही लगने की नहीं सोचता था, खट्टर साहब के राज में DSP लगया, इंस्पेक्टर लगया, सब इंस्पेक्टर लगया, बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। मोदी साहब ने जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा प्राइम मिनिस्टर बनके जो सोच नहीं सकता था, 370 धारा हटाई, कालदा कांपया करता उस तरफ देखते वक्त भी, कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। कोई छोटा काम नहीं था। राम मंदिर का निर्माण कई भाइयों कहते थे जी अभी 10 साल छेड़ो ना, छुओ ना, राम मंदिर का निर्माण कराया। और भाई ये हमारी मुसलमान बहन बेटियां, ट्रिपल तलाक इन पर बड़ा खतरनाक था, उसको खत्म कर दिया। तो भाई सारी चीजें गिनाने लग जाऊं,
बहुत समय लग जाएगा। मैं केवल इतना कहने आया हूं कि भाई बीजेपी को बनाओ।